हिमाचल का कुदरत ने दिल खोलकर श्रृंगार किया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पर्यटन की संभावनाएं हैं। ऊना के कुटलैहड़ में भी जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनेक स्थान हैं, तो वहीं धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ के प्राचीन किले इतिहास की खोज रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। कुटलैहड़ क्षेत्र को पर्यटन की इन तमाम संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं, तो इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को बल मिलेगा। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करें तो यहाँ प्राचीन व ऐतिहासिक दृष्टि से कई धार्मिक स्थान मौजूद हैं। इनमें जमासनी माता मंदिर, धुंधला, लठियाणी घाट, सोलह सिंगी धार के आंचल में पांडवों द्वारा स्थापित चामुखा मंदिर प्रमुख हैं। प्राकृतिक एवं जैव संपदा की दृष्टि से इस क्षेत्र में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। रायपुर मैदान निवासी सुखदेव सिंह का कहना है कि गोविंद सागर झील तथा यहां का शांत व स्वच्छ वातावरण पर्यटन की अपार संभावनाएं संजोए हुए है। इसके अलावा रामगढ़ धार व सोलह सिंगी धार में पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग साइट्स भी विकसित करने की संभावनाएं हैं। और ये जो एरिया है हमारे दोबड़ क्षेत्र का एरिया है, ये शिवाना रेड़ा इन मंदिर बोल दे, बहुत अच्छा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। जो साइड में एरिया है बिल्कुल एकदम खुला है, शांत है, साफ स्वच्छ एरिया है। कभी भी आदमी बोटिंग के जरिए यहाँ पूरा एंजॉय कर सकते हैं, सब परिवार आने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। इस एरिया को अगर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ बाहर के लोग काफी आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार के माध्यम से उनका जीवन का भरपोषण एकदम सही चलेगा। सोलह सिंगी धार के तहत गांव रछो निवासी संजीव कुमार का कहना है कि यदि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करती है तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मैं सरकार का ध्यान यहां के पर्यटन के बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां सोलह सिंगी धार में बहुत प्राचीन किले हैं और यहां एक अच्छा व्यू पॉइंट है। अगर सरकार उनकी तरफ भी ध्यान देंगे तो उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा और यहां अच्छा मतलब आने जाने लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था अगर सरकार करेगी तो यहां इसका बहुत अच्छा विकास होगा। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि कुटलैहड़ क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वच्छ व साफ सुथरा वातावरण तथा सोलह सिंगी धार, रामगढ़ धार और गोविंद सागर झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका वे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्षेत्र में जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और मैं समझता हूं कि यहां पर गोविंद सागर झील, रामगढ़ धार और सोलह सिंगी धार जैसी बहुत सारे सीनिक ब्यूटी यहां पर है और हम इसको पर्यटन की दृष्टि से जो है वो अब विकसित कर सकते हैं। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा को साथ जोड़ कर हम इसका कुटलैहड़ को पहले हम स्वच्छ भी करेंगे और साथ में जो है वो इसकी जो सीनिक ब्यूटी है उसको जो है वो हम पर्यटन की दृष्टि से निखारने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बहुत सारी जो है वो इसकी संभावनाएं हैं, जिसमें विलेज टूरिज्म जो है वो यहाँ रोजगार का साधन बन सकता है, इसको जो है वो हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शोध एवं संकलन मनिंदर अरोड़ा, ऊना।